अस्सलाम वालेकुम, माय नेम इज़ रुसी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है पीएचपी में डिसीजन मेकिंग। कि अगर हमने स्टेटमेंट जो है डिफरेंट यूज की है और उन स्टेटमेंट को डिसाइड करना है कि किस कंडीशन के ऊपर कौन से स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो, तो फिर हम वहाँ पर हम डिसीजन मेकिंग को यूज़ करते हैं। और पीएचपी में डिसीजन मेकिंग के लिए जो स्टेटमेंट्स यूज होती हैं वो है हमारे पास इफ एल्स और स्विच स्टेटमेंट। इसके अलावा सीरीज ऑफ इफ एल्स स्टेटमेंट को भी हम यूज़ कर सकते हैं। हमारे पास जो इफ एल्स स्टेटमेंट जो है और जो स्विच स्टेटमेंट्स हैं उनको हम डिसीजन मेकिंग के लिए यूज़ करेंगे, विच इज़ बेस्ड ऑन डिफरेंट कंडीशन। कंडीशनल स्टेटमेंट्स जो होंगे वो हमारे कोड में यूज़ होंगी टू मेक योर डिसीजन, यानी कि डिसीजन बनाने के लिए हम लोग पहले कंडीशनल स्टेटमेंट्स को यूज़ करेंगे। इफ एल्स स्टेटमेंट यूज़ करते हैं जब दिस स्टेटमेंट इज इफ यू वॉन्ट टू एग्जीक्यूट अ सेट ऑफ कोड व्हेन अ कंडीशन इज ट्रू एंड अदर इफ द कंडीशन इज नॉट ट्रू। कि हमारे पास एक कंडीशन ट्रू है और एक कंडीशन नहीं ट्रू, तो उसके लिए हम लोग इफ एल्स को यूज़ करेंगे। कंडीशन ट्रू है तो हमारे पास एक चीज प्रिंट होगी, अदरवाइज जो हमारे पास एल्स है उसमें जो स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट होगी। इफ एल्स इफ जो है हमारे पास जो स्टेटमेंट है इसमें इसको यूज़ करते हैं जब हमारे पास इफ एल्स स्टेटमेंट टू बी एग्जीक्यूट टू अ सेट ऑफ कोड इफ वन ऑफ द सेवरल कंडीशंस आर ट्रू। यानी कि हमारे पास डिफरेंट अगर हम एल्स इफ को हम यूज़ करते जाएंगे तो हमारे पास उसमें ये कि अगर हमारे पास सेवरल कंडीशंस ट्रू है तो उसके लिए हम लोग इसको यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो है हमारे पास है वो है स्विच स्टेटमेंट, जो कि यूज़ होती है वन ऑफ मैनी ब्लॉक्स ऑफ कोड टू बी एग्जीक्यूट यूज द स्विच स्टेटमेंट। द स्विच स्टेटमेंट इज़ यूज टू अवॉइड लॉन्ग ब्लॉक्स ऑफ इफ एल्स कोड। यानी कि जो हमारे पास डिफरेंट ब्लॉक्स हैं उनमें से कोई भी अगर स्टेटमेंट एक हम एग्जीक्यूट करवाना चाह रहे हैं तो उसमें हम स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। और स्विच स्टेटमेंट को हम लोग डिफरेंट जो हम लोग इफ एल्स सीरीज ऑफ इफ एल्स को यूज़ करते हैं उसको अवॉइड करने के लिए स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करते हैं। इफ एल्स स्टेटमेंट की अगर हम सेंटेंस की बात करें तो इफ में हमारे पास कंडीशन आती है जो कि हमारे पास एक एक्सप्रेशन होकर उसको वैल्यूएट किया जाएगा कि ये कंडीशन ट्रू है या नहीं। अगर जो कंडीशन ट्रू है देन इफ की बॉडी एग्जीक्यूट होगी और जो उसके अंदर कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। एल्स में हमारे पास अगर इफ कंडीशन ट्रू नहीं है तो हमारे पास जो एल्स के अंदर स्टेटमेंट होगी वो एग्जीक्यूट होगी। इसकी जो एग्जांपल है इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इसमें मैंने कहा है कि इफ एक वेरिएबल ये है डेट जिसमें हमने करंट जो है उसका डे जो है उसको पिक किए हैं कि अगर वो डे फ्राइडे के इक्वल है तो प्रिंट कर दे हैव अ नाइस वीकेंड सी यू ऑन मंडे, अदरवाइज अगर फ्राइडे नहीं है तो वो कुछ भी प्रिंट नहीं करेगा। तो इसकी आउटपुट चेक करें तो हमारे पास कुछ भी प्रिंट नहीं हो रहा। इसके बाद अगर इसमें हम एल्स स्टेटमेंट को यूज़ कर लें कि अगर ये मेरे पास कंडीशन ट्रू नहीं है तो फिर एल्स जो बॉडी है वो एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए हम लोग यूज़ कर लेंगे एल्स को और एल्स में हमने स्टेटमेंट दे दिया है वर्क मोर एंड वेट फॉर वीकेंड। तो अब इसके आउटपुट चेक करते हैं तो मेरे पास जो है वो एल्स स्टेटमेंट जो है वो प्रिंट हुई है क्योंकि जो डे है वो फ्राइडे के इक्वल नहीं है। नेक्स्ट है हमारे पास इफ एल्स इफ एल्स इफ एल्स इफ, जिसमें देखेंगे कि अगर इफ यू वॉन्ट टू एग्जीक्यूट सम कोड इफ वन ऑफ सेवरल कंडीशन आर ट्रू देन यूज द इफ एल एल्स इफ स्टेटमेंट। क्योंकि हमारे पास सेवरल कंडीशन ट्रू है तो हम एल्स इफ कंडीशन को यूज़ करेंगे। इफ में हमने कंडीशन दे दी एल्स इफ, इफ कंडीशन देंगे कि कोड टू बी एग्जीक्यूट इफ कंडीशन इज ट्रू, वरना वो क्या करेगा एल्स इफ की कंडीशन को चेक करेगा उसको अगर वो ट्रू है तो उसको एग्जीक्यूट करेगा और एल्स में अगर कोई भी कंडीशन ट्रू नहीं है तो एल्स कंडीशन को एग्जीक्यूट कर देगा एल्स स्टेटमेंट को। इसकी जो एग्जाम्पल है इसको इम्प्लीमेंट करके देखते हैं। इसमें कहा है कि डेट जो हमने उसमें लिया उसमें डे को हमने फेच करवाया कि अगर हमारे पास डे जो है वो फ्राइडे के इक्वल है तो कह दे कि हैव अ नाइस वीकेंड, और अगर डे संडे के इक्वल है तो वो कह दे हैव अ नाइस संडे, एल्स में वो कह दे हैव अ नाइस डे। तो हमारे पास इसको सेव करेंगे और इसकी आउटपुट चेक करेंगे तो हमारे पास क्या आ गया हैव अ नाइस डे।
नेक्स्ट जो हमारे पास स्टेटमेंट है वो है स्विच स्टेटमेंट। इफ यू वांट टू सिलेक्ट वन ऑफ मेनी ब्लॉक्स, के जितने हमारे पास ब्लॉक है उसमें से एक ब्लॉक को अगर हम सिलेक्ट करना चाह रहे हैं कि वो एग्जीक्यूट हो, तो उसके लिए स्विच स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे। और डिपेंड करेगा एक्सप्रेशन के ऊपर कि जहाँ पे भी एक्सप्रेशन की वैल्यू ट्रू मैच कर जाएगी किसी भी ब्लॉक के साथ तो उसको एग्जीक्यूट कर देंगे और बाकी ब्लॉक्स जो हैं वो टर्मिनेट हो जाएंगे। इसके लिए हम लोग स्विच कीवर्ड को यूज़ करेंगे, उसमें एक्सप्रेशन को पास करेंगे। उसमें हमारे पास डिफरेंट केसेज होंगे, केस और लेबल उसका होगा, कोड टू बी एग्जीक्यूट इफ एक्सप्रेशन इज इक्वल टू लेबल वन, यानी कि जिस लेबल वन के इक्वल अगर उसी एक्सप्रेशन की वैल्यू है तो फिर ये ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट होगा, अदरवाइज इसको ब्रेक कर देंगे और केस जो हमारे पास नेक्स्ट केस होगा उसमें चला जाएगा। उसमें अगर लेबल टू की इक्वल एक्सप्रेशन की वैल्यू है तो उस कोड को एग्जीक्यूट कर देंगे, अदरवाइज उसको ब्रेक कर देंगे। और इसके अलावा यहाँ पर एक डिफॉल्ट कीवर्ड को यूज़ किए देते हैं कि जो डिफ़ॉल्ट स्टेटमेंट है वो एग्जीक्यूट हो जाए, जैसे हमारे पास एल्स हमारे पास एक डिफॉल्ट स्टेटमेंट है आ जाती है कि डिफॉल्ट स्टेटमेंट वहाँ पर एग्जीक्यूट हो जाए। इसी तरह स्विच जो है इसमें डिफॉल्ट कीवर्ड को यूज़ करेंगे, फोटो भी एग्जीक्यूट इफ एक्सप्रेशन इज डिफरेंट फ्रॉम बोथ लेवल वन एंड लेवल टू। इसमें मैंने कह दिया है डेट लिया है और उसको मैंने एक वेरिएबल डी में स्टोर करवा दिया और स्विच में उस वेरिएबल को मैंने पास कर दिया है। केस मंडे वैल्यू दी है कि अगर मेरे पास जो डे की वैल्यू है वो मंडे की इक्वल है तो वो प्रिंट कर दे टुडे इज मंडे। इसी तरह अगर जो मेरे पास डी की वैल्यू है वो ट्यूसडे की इक्वल है तो उसकी वैल्यू प्रिंट कर दे। और इसी तरह सब जो मेरे पास केसेस हैं उनको प्रिंट करवा दिया। और लास्ट में मैंने डिफॉल्ट जो स्टेटमेंट है उसको यूज़ किया डिफॉल्ट कीवर्ड को कि एको करवा दे वंडर विच डे इज दिस। इसकी आउटपुट चेक करते हैं तो मेरे पास आ गया टुडे इज वेडनेसडे। इस तरह हमारे पास जो है डिफरेंट पीएचपी में जो डिसीजन मेकिंग को यूज़ करते हुए हम स्विच स्टेटमेंट को यूज़ कर सकते हैं और इफ एल्स सीरीज ऑफ इफ एल्स को भी यूज़ कर सकते हैं।